नमस्कार और राधा स्वामी। सबसे पहले मैं कर्नल साहब बैठे हैं, उनकी धर्मपत्नी बैठी है, इनका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि ये मुझे पिछले साल की तरह इस साल भी इन्होंने मुझे यहां आने के लिए कहा और मैं हाज़िर हो गया आपके दर्शन करने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है। मैं जहाँ जब भी कहीं जाता हूँ तो मैं कुछ देने के लिए जाता हूँ, लेने के लिए नहीं आता हूँ। वो देना क्या है? वो है जिंदगी का राज। व्हाट इज लाइफ? हम कहाँ से आए हैं, हमने कहाँ जाना है, और हमारे ये उठा दो छोटे, हमारे सनातन धर्म, हमारा असली धर्म सनातन धर्म है। कर्नल साहब मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना। हमारा जो असली धर्म है शास्त्रों के मुताबिक वो सनातन धर्म है, लेकिन आज सनातन धर्म कहीं नज़र नहीं आता। उसका कारण ये है कि हम अपनी वासना के कारण, हम अपने ख्यालों के कारण, हम अपनी कामनाओं के कारण, संसार की दुनिया की चाहत के कारण दौड़े हुए हैं कि हमारी इच्छा वहाँ पूरी हो जाएगी, हमारी इच्छा वहाँ पूरी हो जाएगी, हमारी इच्छा वहाँ पूरी हो जाएगी। ये अज्ञान का दौड़ना, अज्ञान का दौड़ना है। जबकि तुलसी के रामायण में तो ये लिखा है, लिखा ललाट डरे नहीं तारा, भावी को गो मेट नहारा। जब ये लिख दिया तो हमें तसल्ली होनी चाहिए कि हमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, हमें कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। वो लिखा वो तो मिल के रहेगा। हाँ, कलयुग में कर्म प्रधान है। कर्म करोगे तो कर्म के अनुसार तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीन तैसो फल चाखा। तो मैं शुरू करता हूँ सनातन धर्म से। सनातन धर्म का पहला जो श्लोक है वो ये है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मे श्री गुरु वे नमः। सारे देवता गुरु में हैं। और फिर आगे क्या कहा उस लिखने वाले, उस महापुरुष ने, उस ऋषि ने क्या लिखा आगे? गुरु वाक्यम मूल मंत्रम। गुरु का वचन ही मंत्र है और कोई मंत्र है नहीं। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम। और दूसरी लाइन में कह दिया, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान करना तो किसका करना? गुरु की मूर्ति का करना है, और किसी का नहीं करना। और तीसरा क्या कहा? पूजा मूलम गुरु पदम। किसकी पूजा करनी है? गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी है। और आखिर में कह दिया, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हमारा मोक्ष भी, इस जन्म मरण का चक्कर भी उनकी कृपा से ही खत्म होगा, नहीं तो बार बार हम जन्म लेते रहेंगे, ऐसा ऋषियों ने लिख दिया। अब देखो, ये जो चार तीन दो बातें मैंने असूल बताए हैं, ये सभी धर्मों का निचोड़ है। और सनातन धर्म का असली जो रूप बन के सामने आया वो है राधा स्वामी मत। वो क्यों राधा स्वामी कहा गया? गायत्री मंत्र को पढ़िएगा। गायत्री मंत्र कहाँ हमें पहुँचाता है? वो कहता है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से आगे तुम्हारे अंदर सूरज का प्रकाश है, उस प्रकाश को देखो और वही गुरु का रूप है, उसका ध्यान करो, तुम्हारी दुनिया बदलती जाएगी। हमने क्या किया? वो प्रकाश तो क्या देखना है, हमने बाहर में घंटी बजानी शुरू कर दी, हमने बाहर मूर्ति रख ली और बाहर ही उसकी पूजा करनी शुरू कर दी, हमने बाहरी ज्योति जला ली, अंदर की ज्योति को हम भूल गए। मेरे साथ एक कोई विद्वान बैठ गए, मैंने उनसे ये बात कही, मैंने कहा हमारा सनातन धर्म बिगड़ गया। तो उसको थोड़ा सा क्रोध आया, क्यों? उनकी रोटी उनसे चल रही है, उनकी रोटी उससे चल रही है, मंदिरों से चल रही है, जब बड़े बड़े डेरे बन गए उनका खाना वहाँ से मिल रहा है। और मैं ये कहता हूँ, मैं जो कहना चाहता हूँ, सनातन धर्म ने हमारे चार आश्रम बनाए हैं, चार आश्रम। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम,
25 साल तक ऐ इंसान तू अपने शरीर को पुष्ट कर ले, अपनी खुराक को ठीक कर ले, अपने देखने को ठीक कर ले, अपने सुनने को ठीक कर ले, अपने खाने को ठीक कर ले, ताकि तेरे अंदर वो ताकत पूरी बन जाए, वो ताकत जो दुनिया का मुकाबला कर सके वो ताकत बन जाए, तो फिर अगला गृहस्थ जीवन शुरू करो। 25 साल के बाद आज तो हमारे पता नहीं क्या हो गया समाज को, 18 साल 20 साल 22 साल में शादी, चलो 25 साल में दो दो बच्चे, तो वो क्या करेंगे बच्चे, वो कमज़ोर ताकत से पैदा हुए हैं, वो इतने काबिल नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते काबिल चाहे कुछ भी कर लो। इसलिए बीमारियां हैं हमारे देश में, हमारी खुराक बदल गई, हमारा सोचना बदल गया, हमारा सब कुछ बदल गया, मॉडर्नाइज हो गए हम, वो बात नहीं नहीं है। इसलिए संतों ने अवतार लेकर क्या क्यों अवतार लिया वो भी मैं बता दूँ, जब आना आते थे तो क्या करते थे, वो सबसे पहले ब्रह्मा के दरबार में जाते थे, उनको प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद लेना, फिर उन्होंने विष्णु के दरबार में जाना, उनको प्यार करना, उनका आशीर्वाद लेना, फिर लास्ट में भगवान शिव और पार्वती को मिलकर वो इस लोक में भ्रमण करने के लिए आते थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ जो शास्त्र में लिखा है, या जो महापुरुषों ने मुझे बताया, या बुजुर्गों की कथाओं से सुना, आज तो करते ही आज टीवी ने हमें घेर लिया, या सेलफोन ने हमें घेर लिया, हमने कहा हमारी संस्कृति बिगड़ गई सारी। तो ब्रह्मा जी के दर्शन करने के बाद, प्रणाम करने के बाद नारद जी चलते थोड़ी दूर जाकर क्या देखते हैं कि जहाँ नारद मुनि बैठा था वहाँ ब्रह्मा के जो सेवक थे वो पोछा कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, उसकी सफाई कर रहे हैं। तो उसको कुछ शक पड़ गया कि पता नहीं मैंने कुछ जगह गंदी कर दी है, वापस आया, वापस आके प्रणाम किया कि महाराज मेरे से क्या गलती हो गई, आपने यहाँ ये पोछा किया साफ किया, क्या कारण है। कहते नारद मुनि बाकी सब ठीक है, तू बड़ा विद्वान है लेकिन तू गुरु के बगैर है, इसलिए यहाँ तू बैठेगा वो जगह गंदी हो जाएगी। कहते महाराज फिर तो आप मेरे गुरु बन जाओ। कहते हम नहीं किसी का गुरु बन सकते, हमें तो ड्यूटी मिली है, कुदरत ने हमें ड्यूटी जो दी हम वो करते हैं, हम गुरु नहीं बनते, तुम भगवान विष्णु के पास चले जाओ। वो विष्णु महाराज के पास गए, महाराज मुझे कृपा करो अपना शिष्य बना लो, मेरे गुरु बन जाओ। कहते ये हमारे बस में नहीं है, बस में नहीं है, हम नहीं बन सकते किसी का गुरु। फिर वो शिवजी महाराज के पास गए, वहाँ शिवजी महाराज ने मेरे जवाब दे दिया। साथ में पार्वती माता बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज इतना हताहत हुआ है, आपको इतनी बेनती कर रहा है, इतनी प्रार्थना कर रहा है, कृपा करो इसको कोई रास्ता बता दो। तो उन्होंने कहा हाँ रास्ता है। क्या रास्ता है महाराज, हुक्म करो मैं ज़रूर करूँगा। कहते मातलोक में जाओ सुबह सूर्य निकलने से पहले 2 घंटे, और जो जिस शहर में तुम जाओगे जो पहला आदमी तुम्हें मिले उसको आपने प्रणाम कर देना, वही तेरा गुरु है। ये सच्ची कथा सुना रहा, वही तेरा गुरु है। तो जब भी यहाँ भी आए तो वहाँ क्या देखते हैं कि एक भंगी झाड़ू दे रहा है, वो सुबह सुबह झाड़ू करते हैं ना, सबसे पहले वो काम करते हैं। ओहो ये तो बंगी है, इसको मैं अपना गुरु कैसे बना लूं, ये तो नीच जाति से है। तो उसको आवाज़ आई, अरे इस बात को छोड़, यही तेरा गुरु है, पाँव में पड़ जा। तो उसने नारद मुनि ने एक बंगी को अपना गुरु बनाया, एक वाल्मीकि को अपना गुरु बनाया, और आज भी नारद मुनि अमर है, वो अमर है, उसको सब याद करते हैं, उसकी कथाएं हैं। एक तो बात मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि और मेरे दादा गुरु ने लिखा है, बिन गुरु ज्ञान न उपजे साधो लो गुरु की शरणाई। हमारी ज़िंदगी में चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं,
कामयाब होने के लिए। संसार को कामयाब करना और बात है। पढ़ लिख के गए, मैं पढ़ा लिखा, प्रोफेसर बना, प्रिंसिपल बना, मुझे खाने को रोटी अच्छी मिली, इज्जत मिली, सब कुछ मिला, वो मेरा संसारिक व्यवहार था। अब मेरा संसारिक व्यवहार नहीं है, अब मेरा आध्यात्मिक विचार, आध्यात्मिक ख्याल है। एक होता है समाज, एक होता है धर्म, एक होता है अध्यात्म। तीन चीज़ें। समाज कर्म करने से बनता है, समाज मेहनत करने से बनता है, समाज वक्त का फ़ायदा उठाने से बनता है। जो जितनी मेहनत करेगा वो आगे के आगे जाएगा। ये ब्रह्म है दुनिया में कि जो लिखा वो अब वो बदल गया, मैं तो इसको बदल रहा हूँ कि जो उसने लिखा तुलसीदास जी ने, वेयर देर इज विल देर इज ए सक्सेस। वो जहाँ इच्छा है, जहाँ तुम्हारा प्रण है, वो पूरा होगा। इस कुदरती में सब कुछ है, जो चाहो पालो। साइंसदान कहाँ पहुँच गए, चांद पर पहुँच गए, जो इसी बात को लेकर बैठ गए कि क्या करना, जो मिलेगा मिल जाए, वो नहीं है। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता है। कौन सा मसला ऐसा है जो हल हो नहीं सकता, हिम्मत है, ये सबसे बड़ी बात है। ये मेरा संसार में और सबसे ज़्यादा शक्ति हमें मिली है। इंसान को अशरफ मखलूकात कहा गया है, टॉप ऑफ द क्रिएशन कहा गया है, नर नारायणी देह कहा गया है, इसमें नारायण रहता है। वो नारायण क्या है वो तो मैं आगे बताऊंगा। तो ये मैं पहले बेस आपको बता रहा हूँ कि हम क्या हैं। हम मालिक की इच्छा से संसार में आए हैं और हमें लाने वाली हमारी वासना है, हमारी इच्छा है। पिछले जन्म में कोई इच्छा रह गई, वो इच्छा ने हमें अपने घर वापस नहीं जाने दिया, हमारी अटैचमेंट बनी रही और हमें वहाँ वापस आना पड़ा, ऐसा हमारे संतों का ख्याल है। और यही लिखा है हजूर राय सालग्राम साहब जी महाराज ने, जो मेरे दादा गुरु के गुरु थे, उन्होंने लिखा कि अंत में जब आखिरी समय आदमी का आता है तो उसकी ज़िंदगी की सारी फिल्म उसके सामने आ जाती है। जहाँ जहाँ उसकी अटैचमेंट है वहाँ वहाँ का सीन उसके सामने आ जाएगा। अगर कहीं उसकी अटैचमेंट हो गई, अगर कहीं उसका लगाव हो गया और प्राण छूट गए, वो अपने घर वापस नहीं जा सकता, उसको वापस आना पड़ेगा। इसलिए बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे हमें कि बच्चों सुनो, मेरी पूजा करने से, मेरी आरती उतारने से तुम पार नहीं जाओगे। तुम अगर मेरे साथ बंध जाओगे तुम्हें दोबारा लेना पड़ेगा जन्म, जहाँ लेना पड़ेगा। तुम उस पर चलो जो मैं कहता हूँ, मेरी वाणी को पकड़ो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये उन्होंने कब कहा, एक बार व्यास वाले बाबा श्रवण सिंह जी महाराज ने अपने किसी सत्संग में कहा कि जिनको हरिद्वार से प्रेम है वो हरिद्वार की मछलियाँ बनेंगी। मतलब उनका जन्म नहीं होगा, हरिद्वार की मछलियाँ बनेंगी, वहाँ पानी डालते हैं, उनको खाना डालते, ये डालते। तो फकीर बाबा जी ने कहा कि अगर हरिद्वार से प्रेम करने वाले वहाँ पैदा होंगे तो जो ब्यास से पैदा प्रेम करते हैं, ब्यास से बने हुए हैं, तो ब्यास की भी मछलियाँ बनेंगी। हरिद्वार की मछलियों को तो लोग आटा डालते हैं और ब्यास के दरिया की मछलियों को लोग भून कर खाते हैं। ये मेरे दाता ने कहा, हमें समझाया कि कहीं अटैच नहीं होना, लिव ए डिटैच्ड लाइफ, अपना कर्म करो और भूल जाओ, जुड़ो नहीं, अटैच मत हो। जितना डिटैच रहोगे उतना ज़्यादा सुख मिलेगा, जितना अटैचमेंट होगी उतनी ज़्यादा मुसीबत आएगी, दुख आएगा। दूसरी बात, तीसरी बात जो कहना चाहता हूँ, हम सब एक हैं। हमारे में फ़र्क क्या है शरीर का, हमारे में फ़र्क क्या है मन का। हमारे मन अलग अलग हैं, हमारा शरीर अलग अलग है। जिस वातावरण में हम पैदा हुए, जिस वातावरण में हमारे माता पिता ने खाना खाया, उसके मुताबिक हमारा शरीर बन गया। जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल के कारण
बन जाता है। यही है ना, जो आपने देखा नहीं है वो तुम्हारे मन में नहीं आएगा, जो आपने खाया नहीं उसका आपको स्वाद नहीं आएगा, जो आपने सुना नहीं उसका आप चिंतन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि मन समय समय पर बदलता रहता है, इसको ठहराना है। इसको ठहराने के लिए संतों ने विधि निकाली कि किसी महापुरुष के चरणों में बैठो, उससे कोई एक बात ले लो और उसका ध्यान करो, तुम्हारा मन ठहर जाएगा और तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। इसलिए ये संत मत हमारे सामने आया। लेकिन हमारे और जो दो चीज़ें हैं, एक आत्मा है, हमारे जो मॉडर्न संत हैं वो केवल आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं, सिर्फ आत्मा और परमात्मा। मैं कभी कभी लिख देता हूँ कि अगर आपने परमात्मा देखा तो वो बताओ वो क्या है, ये लोगों को क्यों पीछे लगाया हुआ है डंडा लेकर, परमात्मा की पूजा करो, ये करो, वो करो। कभी किसी ने उसको देखा है? वो तो देखा नहीं जा सकता, वो नहीं देखा जा सकता, उसका अनुभव किया जा सकता है कि वो है। वो अनुभव कब होगा? जब हम शरीर मन और आत्मा से थोड़ा ऊंच पर जाएंगे तब पता लगेगा कि वो क्या है। हम उसकी अंश हैं, वास्तव में हम सब उसकी अंश हैं, हमारी आत्मा उसकी अंश नहीं है, आत्मा पारब्रह्म की अंश है। इसमें बाबा फकीर ने बताया हमारा जीवन चार चीज़ों से बना है। एक है सबल ब्रह्म, हमारा शरीर सबल ब्रह्म से बना है। सबल ब्रह्म मीन ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ जो हम खाते हैं उससे हमारा शरीर बनता है, सूक्ष्म पदार्थों से हमारा शरीर नहीं बनता, उसको सबल ब्रह्म कहा है। मन हमारा शुद्ध ब्रह्म से बना है, शुद्ध मीन साफ सुथरा अच्छे ख्याल। लेकिन हमने मेरे और तेरे कहने से, भावना अलग अलग पैदा करने से हमने अपने मन को दूषित कर लिया। ये उसको मानने वाला है, ये उसको मानने वाला है। मैं तो जहाँ तक कह देता हूँ कि राधा स्वामी मत वाले भी आपस में इकट्ठे नहीं बैठते कोई नहीं इकट्ठे बैठते, मेरे से बहुत डरते हैं कि ये बड़ा खड़ाकू बोलता है। बात समझ गए, मैं सच्ची बात कहता हूँ क्योंकि मेरा कोई डेरा नहीं है, मुझे डेरा नहीं है कोई भी। मैं बाबा फकीर की शिक्षा को फैलाता हूँ, अगर किसी के पल्ले पड़ जाए तो मैं अपने आप को कामयाब समझता हूँ, नहीं पड़े तो ना सही, हमने तो डंडोरा पीटना है। इंसान पहले इंसान बनते हैं, इंसान कौन है? सर्वे विभंतु सुखना सर्वे संतु नरामया, जो सबका भला चाहता है जो पहला इंसान है। अहिंसा परमो धर्मा, ये सनातन धर्म है कि कभी किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट या जीवन का नाश नहीं करना। अहिंसा परमो धर्मा, सत्य में जयते, सत्य की ही जीत होगी, झूठ की जीत कभी नहीं होगी। ये सनातन धर्म है सत्य में जयते। क्या कोई मानने वाला है? कोई मानने वाला नहीं है। और कह दिया वहाँ गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और फिर चारे लाइनें मैंने आपको बता दी। क्या आज हम ये कर रहे हैं? नहीं कर रहे। इसलिए कबीर साहब ने दुखी होकर एक शब्द लिखा, वो मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने सारे का सारा ज्ञान, सारे का सारा सनातन धर्म अपने एक शब्द में भर दिया आज से 600 साल पहले। और उन्होंने लिखा था, मैं कबीर को राधा स्वामी मत का जन 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 जननी मानता हूँ। उन्होंने कहा कबीर धारा अगम की, धारा अगम की, अगम मीन जिसकी था कोई नहीं है, वहाँ से एक धारा आई। धारा कबीर धारा अगम की सतगुरु दी लिखाए, सतगुरु ने मुझे वो धारा बता दी कि तू कहाँ से आया है। फिर अगली लाइन में कहा ताहे उलट सिमरन करो स्वामी संग मिलाए। क्या कहा मैंने? हम जहाँ से आए हैं वहाँ से ऐसे आए हैं ये पानी की धार नीचे को बैठती है, ऐसे वहाँ से आए उस मालिक से, उसमें हरकत होती है, उस हरकत से शब्द पैदा होता है और शब्द के बाद प्रकाश पैदा होता है और ये प्रकाश के कारण सारी दुनिया बनी हुई है।
यहाँ दो चीज़ें इस काम सारे ब्रह्मांड में हैं, शब्द है और प्रकाश है, और शब्द ही प्रकाश हमारा जीवन है। ये कहा आपने कहा उस धारा को उल्ट करो, धारा धारा चार शब्द हैं, धा के साथ आ, रा के साथ आ, धारा उस दाहे उलट उसको उल्टे करो, क्या वो बनेगी राधा, वो राधा बनेगी। राधा को यहाँ से उठाकर हम ऊपर ले जाएंगे तो हम अपने स्वामी से मिल जाएंगे। कहाँ पूजा है, कहाँ पाठ है, कहाँ सिमरन है, कहाँ ध्यान है, कहाँ मूर्ति है, कहाँ कहाँ दिया जलाता है, कहाँ फूल चढ़ाए जाते हैं, कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं करना, बैठना है। और अपने अंदर से कोई एक शक्ति है उसको जो सारे शरीर में फैली हुई है, मैं और एक बात बता देता हूँ और एक वेद की बात बताता हूँ जो कहीं आपको मिलेगी नहीं। कर्नल साहब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं किसी की मिसाल कह देनी अपनी मिसाल देता हूँ। मैं माँ के पेट में पैदा हुआ, पिता के और माता के मिलन से मेरे इस शरीर का एक जीव माँ के गर्भ में आया। बात को बहुत गौर से सुनते रहना। उस जीव को माँ ने पाला, माँ ने जो खाया उसको मिला। जैसे शरीर बना छोटा सा मच्छ, पहले मच्छी के रूप में था, फिर कछुए के रूप में बना, फिर बराह के रूप में बना, फिर नरसिंह के रूप में बना, फिर बावन रूप के बना, फिर उसके बाद वो परशुराम बना, फिर राम बना, फिर कृष्ण बना, फिर बुद्ध बना। यही शरीर क्या कह रहा हूँ मैं, तो एक नाड़ू यहाँ से माँ के शरीर के साथ जुड़ गया और उस शरीर की नाड़ी से जो माँ ने खाया वो सूक्ष्म रूप से मेरे घट में भी अंदर आता रहा, और जो माँ ने पिया वो भी मुझे मिलता रहा, जो माँ ने देखा उसका भी असर मुझे होता रहा, जो माँ ने बोला उसका भी असर मुझे होता रहा, जो माँ ने सुना उसका असर भी मुझे, उसको कहते संस्कार। माँ के गर्भ से हमें संस्कार मिलते हैं, वो संस्कार मिलते रहे और मेरा शरीर पलता गया। अब बताइए वहाँ मन है, वहाँ मन तो है ही नहीं, तो कोई और हस्ती काम कर रही है, कोई और शक्ति काम कर रही है मेरे अंदर, तो मैं 9 महीने का हो गया और जन्म लेकर बाहर आ गया, जन्म लेकर आ गया। तो फिर क्या हुआ होगा, मैं रोया होऊंगा, क्योंकि जब डॉक्टर ने झटका दे के मुझे सीधा, मैं उल्टा था ना, 9 महीने पानी में, पानी की थैली में उल्टा हूँ, वहाँ सांस भी मिल रहा है, खाने को भी मिल रहा है। जैसे ही बाहर आया वो जो पर्दा था वो फटा, पानी नर्म नर्म पानी, लेसदार पानी से मैं बाहर आ गया और डॉक्टरों ने साफ करके झटका मारा, मुझे सीधा कर दिया। बात को गौर से सुनना, साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ मैं। जैसे झटका मारा, 9 महीने मेरी हस्ती यहाँ थी, 9 महीने मेरी हस्ती यहाँ थी, जैसे झटका मारा मैं वहाँ से यहाँ आ गया, मैं डर गया और मैं रो पड़ा। मैंने डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर साहब आप गायनाकोलॉजिस्ट हैं ना, आप बच्चे पैदा करते हैं, लेडी डॉक्टर, बच्चा रोता क्यों है, उसको कोई तकलीफ हुई? कहती नहीं रोता है, ये नहीं हमें पता। मैं क्या, मुझे पता है, मुझे ये पता है कि वो हस्ती जो 9 महीने उल्टी लटकी हुई थी वो झटके से यहाँ आ गई, यहाँ पहले हमारी हस्ती यहाँ आई, यहाँ। और मैं रोया, और फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने ये सप्लाई लाइन काट दी। जैसे सप्लाई लाइन काटी फिर क्या हुआ, कुदरत ने क्या किया, माँ के स्तनों में दूध आ गया। ऐसा ही होता है ना माताओं, मेरी बहनों, माँ के स्तनों में दूध आ गया। तो बताइए ये क्या कोई करिश्मा है, ये कुदरत का खेल है, मेरे लिए पहले इंतजाम किया हुआ है। और जैसे दांत आए माँ का दूध सूख गया, खा रोटी। ऐसे होता है ना,
फिर रोटी खानी शुरू कर दी। चलो रोटी खाने से पहले क्या हुआ, मैं लेटा हुआ हूँ, महीने का हो गया, डेढ़ महीने का हो गया, फिर मैं हाथ मारने लगा, ऐसे ऐसे करता है ना, ऐसे ऐसे। तीन महीने का हो गया तो टांगे भी मारता हूँ, टांगे भी मारता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ उठ के बैठ जाऊँ। वो होता क्या है, वो जो शक्ति यहाँ ना मेरी बहनों मेरी माताओं, वो शक्ति को शरीर में लाना चाहता है, उस शक्ति को वो अपने शरीर में लाना चाहता है कि आ जा नीचे, ऐसे ऐसे करता है, टांगे भी मारता है, फिर वो पख ले लेता है, फिर इधर को पख लेता है, माँ दौड़ती कहीं गिर ना जाए, फिर वो उठ के बैठने की कोशिश करता है, फिर बैठ जाता है, जब बैठ जाता है तो माँ उसको नीचे बिठा देती है, फिर वो रुड़ने लगता है। तो वो हस्ती मेरे शरीर में सारी उतर गई, और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं चलने लग गया, माँ ने फिर बताना शुरू कर दिया, तेरा पापा ये है, तेरा चाचा ये है, तेरा भैया ये है, तेरा मामा ये है, तो कहाँ से आ गए मामा चाचा, पहले तो थे नहीं। जब मुझे होश आई तो मुझे मेरे रिश्तेदार मिल गए। ये सारा खेल कुदरत कर रही है, ये सारा खेल कुदरत कर रही है। मुझे क्या अनुभव हुआ कि ऐ इंसान तू हाय हाय क्यों करता है, गर्भवास में खबर लेते हैं बाहर क्यों बिसरे, जिसने गर्भ में मेरी सेवा की है, जिसने गर्भ में मुझे खाने पीने को दिया, तो क्या बाहर मैं भूखा मर जाऊंगा, नहीं मर सकता। लेकिन कुदरत ने मुझे पांच कर्म इंद्रियां दी, हाथ पांव दिए, समझ दी, अकल दी कि मेहनत कर बेटा, मेहनत करके खा तभी तेरा गुजारा होगा, किसी से मांगना नहीं है। जो मेहनत करता है वो शहंशाह बनता है, जो मेहनत नहीं करता वो गरीब रह जाता है। कुदरत को देखो, कुदरत में कोई चीज़ शांत बैठी है, सब काम कर रही है, हवा चल रही है, कोई चला रहा है, कोई ना कोई चला रहा है ना, बाजू आती है, हवा आती है, बारिश आती है, सूर्य चढ़ता है, गुरु हो जाता है, चांद चढ़ता है, छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ये कोई हस्ती काम कर रही है। इसमें एक लाइन में और डाल देता हूँ, शास्त्रों में लिखा है जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मंड में है वो हमारे शरीर में है, यहाँ तक भी लिख दिया 33 कोटि देवता, 33 करोड़, एक दो नहीं, हमारे शरीर में है, हमारे अंग अंग में है, 9 द्वारों में 9 देवियाँ बैठी हैं, मूलाधार से लेकर इंद्री 2, 4, 6, 8 और रसना 9, 9 में 9 हमने बाहर देवियां बना ली, उनकी पूजा करते हैं। वो जो हस्ती जब यहाँ आएगी तो वो अपना काम करती है, जब यहाँ आती है आँखों में अपना काम करती है, रसना में आती है तो अपना काम करती है, और नाक में बैठती तो सुगंध करती है लेती है, और नीचे जाएगी तो अपना काम करती है। हम कहाँ भटके गए, हाँ हम कहाँ भटक गए, ब्रह्मा हमारे शरीर में है, कहाँ हमारे अंदर, ब्रह्मा दुनिया पैदा करती है, तो क्या मैंने अपनी औलाद नहीं पैदा की, वो भगवान ने की, वो मेरी हस्ती ने पैदा की, तुम्हारी हस्ती ने तुम्हारी औलाद पैदा की, अगर उस हस्ती को नष्ट कर दिया तो कुछ भी नहीं होगा। क्या कहा मैंने, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, ये बाबा फकीर की शिक्षा जो मुझे मिली वो मैं बता रहा हूँ। विष्णु हमारे पेट में रहता है, विष्णु कहते हैं पालन पोषण करता है संसार का, हमारा पालन पोषण कौन करता है, हमारा पेट, पेट ठीक नहीं है सेहत ठीक नहीं रहेगी, पेट का हाजमा ठीक नहीं है सेहत ठीक नहीं रहेगी, तुम बाहर शिव जी के इतने मर्जी के घंटे बजाते रहो कुछ नहीं बनेगा, पहले ये ठीक करना है, ये ठीक है तो विष्णु खुश है, ये ठीक नहीं तो विष्णु खुश नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं आपको, ब्रह्मा हमारे हृदय में रहता है, वो फैसला करता है ये सत्य है ये गलत है, ये हृदय ये स्थूल हृदय है ये हमारे शरीर को खून देता है, जिस हृदय की मैं बात करता हूँ वो यहाँ रहता है, वो सूक्ष्म हृदय है,
वो देखा नहीं जा सकता। वहाँ एक दिल है हमारा, वो ये फैसला करता है बच्चा ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये झूठ है, ये सत्य है, ये नेक है, ये बद है, ये हमें वो बताता है कि बच जा, ये ठीक नहीं है तेरा रास्ता, ये ठीक नहीं है। वो अंदर बैठा वो बता रहा है, वो शिव भी तुम्हारे अंदर है, तो वहाँ मैं किसकी पूजा करूँ, मैं किसकी पूजा करूँ। तो कबीर साहब क्या कहते हैं वो सुन लो, फिर मैं आगे चलूँगा। हाँ एक बात और साथ जोड़ देता हूँ, ये ब्रह्मांड हो गया ना, ये ब्रह्मांड हो गया, ये ब्रह्मांड पांच तत्व का बना हुआ है, पृथ्वी है, जल है, ये वायु है, आकाश में सूर्य है, देवता है, और ऊपर आकाश है, पांच तत्व। ये सारा ब्रह्मांड पांच तत्वों का बना हुआ है। हमारा शरीर भी पांच तत्वों का है, मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये पांच तत्व। और शास्त्र कहते हैं इंसान पूर्ण है, पूर्ण, पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार, 14 गुणा तुम संपन्न हो। सभी 2 गुण रह गए, वो भगवान कृष्ण के पास थे, जिसको 16 कलश पूर्ण कहते हैं। भगवान कृष्ण क्या, उनमें अंदर शब्द भी था और उनके अंदर प्रकाश भी था, उनको पूर्ण विवेक था, कृष्ण विवेकी था, उनको ज्ञान था पूरा। तो हम अगर 2 स्टेप और आगे चले जाएं तो हम भगवान कृष्ण के रूप में हाजिर हो जाएंगे, लेकिन हम वहाँ जाते नहीं, हम बाहर मुखी हैं। क्यों? कबीर ने कहा, एक उसने हमें उन्होंने एक तरह का ताना मारा, ताना जानते हो ना, कि तुम बेवकूफ हो, क्या कर रहे हो, सुनो क्या कहते हैं कबीर साहब की शब्दावली भाग दूसरा। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। कहते हैं ए मालिक, ए देव, तुझे तो किसी ने बनाया ही नहीं है, तू स्वयं भू है, तू स्वयं है, तुम्हें किसी ने नहीं बनाया, इससे तेरी पूजा कौन करे, कौन करे तेरी सेवा। अनघड़िया, जिसको घड़िया नहीं गया, बाबा फकीर कहते थे मैं भी घड़िया गया, मेरे को भी बनाया, कबीर को भी बनाया, दाता दयाल को भी बनाया, महर्षि जी को भी बनाया, गुरु नानक को भी बनाया, तो तुम मेरी पूजा करोगे तो क्या पार हो जाओगे। वो तो कहते हैं अनघड़िया देवा, मैं तो घड़िया गया हूँ, मेरे को मत्था टेकने से तुम्हें क्या मिलेगा। पूछ रहे ये ठीक है कि ये आबादत है, ये हमारी सभ्यता है कि बाहर से कोई आया, कोई संत आया जिसको लोग इज्जत देते हैं, उसकी इज्जत करना तुम्हारा ड्यूटी है, उनका ये हमारी सभ्यता है, लेकिन सिर्फ पूजा करने से, सिर्फ फूल चढ़ाने से, कपड़े भेंट करने से या मंदिर के 4 कमरे बनाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम अनघड़िया क्या है, अनघड़िया क्या है, गुरु के मुखार बिंद से निकला हुआ शब्द, वो घड़िया नहीं गया, वो वहां से आया है, तुर्की बाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई, वो वाणी ऊपर से आती है, वो उनके दिमाग में से आती है, उनके बुखार बिन से हम तक पहुंचती है, इसलिए वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। लेकिन जो वाणी जिस महापुरुष के मुख से निकलती है वो अदब के काबिल है, उनका अदब करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि बगैर इज्जत किए, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, धन दोगे धन मिलेगा, गाली दोगे गाली मिलेगी, बुरा देखोगे बुरा बनोगे, ये तो उसूल है, कुदरत के उसूल हैं, कोई बुरा नहीं है, हमने चंगे बुरा नहीं कोई, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जब मन देखा अपने मोह से बुरा ना कोई, मेरे जा बुरा कोई है ही नहीं, कि
क्योंकि मैं बुरा देखूंगा तो मेरे अंदर पहले बुराई है, तो बुराई ने बुराई देखी है, अच्छाई ने अच्छाई देखनी है, नेकी ने नेकी देखनी है, बदी ने बदी देखनी है, और बदी करने वाले इकट्ठे मित्र हो जाते हैं, चोरी करने वाले भी इकट्ठे मित्र हो जाते हैं, जो संतपन के करने मारने वाले वो आप इकट्ठे हो जाते हैं। तो जैसी संगत वैसी रंगत, वैसा रंग चढ़ेगा। तो वो कहते हैं अनघड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, तो हम करते क्या हैं, आगे पढ़ो। गढ़े देव को सब कोई पूजे नीति लावे सेवा। कहते हैं गढ़िया देवी का मूर्ति कर ली, बना ले, देवता की मूर्ति बना ली, किसी अवतार की मूर्ति बना ली, उसको तो सभी मानते हैं और सुबह लेकर प्रसाद भी वहाँ चढ़ाते हैं, वहाँ पता नहीं क्या क्या चढ़ाते हैं। कहते हैं घड़िया अन घड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, घड़े देव को सब कोई पूजे नीति लावे मेवा। मेरा सनातन धर्म किधर चला गया, मूर्तियों में फंस गया, मूर्तियों में फंस गया, अपने आप को ही भूल गया। मूर्ति किस चीज की बनी है, किसी एक धातु की बनी है ना, मिट्टी की बनी है, पानी से बनी है, उसमें पांच तत्व तो नहीं है जो हमारे में है, पांच तत्व की तो नहीं बनी, या लोहे की बना दी तो लोहे की है, चांदी की बना दी वो तो चांदी की है, उसमें कहाँ आ गए पांच तत्व, ना उसमें पानी है, ना उसमें पृथ्वी है, ना उसमें अग्नि है, ना उसमें वायु है, ना वो सांस लेती है। हमें कह दिया प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। मैं आपको एक हंसी की बात सुनाता हूँ। मैं कॉलेज का प्रिंसिपल था प्राइवेट कॉलेज का, वो एक वकील का फोन आया, कमल साहब हमारे गांव में मंदिर स्थापित हुआ है, आज मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, मैं उसमें प्राण डाले जाएंगे तो आपने जरूर आना। मैं कह ये तो मेरा सौभाग्य है, मैं भी प्राण डालते हुए देख लूँगा और उससे को बातें कर लूँगा। प्राण जो डल गए, मैं चला गया तो संत भी आए नहीं, तो लोग भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हो गया, तो संतों की बड़ी गाड़ी आई, वो बाहर नहीं निकले, दरवाज़ा नहीं खोला, खड़े बैठे रहे, जब तक 10-15-20 आदमी हार लेकर नहीं आ गए ना, तो दरवाज़ा नहीं खोला, फिर दरवाज़ा खुला, फिर मैंने भी हार डाला, उसने भी हार डाला, उसने भी डाला, जहाँ तक उनके हाथ लग गए, फिर वो धीरे मोटे मेरे जैसे उसमें 3 आदमी निकल आए, फिर वो वहाँ पहुँच गए। मैं भी उनके साथ, कर्नल साहब जब तक देखो अपनी नैना तब तक मानो गुरु का बहना, जब तक आँखों से नहीं देखो मत मानो। मैंने कहा प्राण प्रतिष्ठा हो रही, देखनी अभी देखिए। तो वो जहाँ वहाँ चले गए, मूर्ति लगी, एक मूर्ति बनी हुई मिट्टी की, तो बड़ी अच्छी बनी हुई, बहुत सुंदर बनी हुई, ठीक है, इसमें कोई हसन की बात नहीं, जिसने भी बनाई बहुत बढ़िया बनाई। खड़े होकर पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, फिर उस मूर्ति के गले में हाथ डाल दिया, चलो जी प्राण प्रतिष्ठा हो गए। मैं देखूं इसमें प्राण डल गए, मैं उसको बोला, मैं क्या वकील साहब जरा इधर आना, तुम भी पढ़े लिखे हो, ये मूर्ति से मेरी बात हो सकती है, ये मूर्ति से प्राण पड़ गए हैं तो बात हो सकती है। वो मेरी तरफ बड़ी अजीब नज़र से देखा, कहता सर क्या बात करते हैं, ये परंपरा ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, परंपरा साइंस के युग में बैठे हैं, ये विज्ञान का युग है, यहाँ हर चीज कसौटी पर तोली जानी चाहिए, ये सत्य है या नहीं सत्य है, या हमें लूटने का प्रबंध किया गया है, हमारे लूटने का प्रबंध है। मैं यहाँ तक कहने के लिए मजबूर हूँ कि जितने धर्म बने हैं, चाहे मैं तो राधा स्वामी मत को भी नहीं छोड़ता, मैं राधा स्वामी मत को भी नहीं छोड़ता, वो भी नाम देते हैं लेकिन अपने उस शिष्य का संभाल नहीं करते, नाम ले जाओ नाम ले जाओ नाम ले जाओ, जैसे गाजर मुड़ी हुई नाम ले जाओ, पैसा
पैसा पैसा बड़े बड़े महल बन गए, बड़े बड़े से बन गए। क्या बना, क्या फायदा हुआ? जब इंसान ही नहीं बना कोई, क्या फायदा? क्या निरंकारी, क्या और लोग, सबका यही हाल है। मैंने आंखों से देख लिया, कुछ भी नहीं है। ए इंसान, तू पांच तत्व का पुतला है, मिट्टी की मूर्ति के आगे सिर झुकाकर अपना अपमान मत कर, जो कुछ है तेरे अपने अंदर है। बाबा फकीर जी ने यहाँ तक कह दिया, सुनो मेरी बात को। कहते बच्चों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं मत्था टेकने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चों का पेट काट करके इन धामों को देने की जरूरत नहीं है। उनके पास बहुत पैसा है, उन बच्चों को, अपने बच्चों को पालो, उनको अच्छी शिक्षा दो, उनको काबिल बनाओ, वो देश का मुकाबला करें, मुसीबतों का मुकाबला करें और सच का साथ दें। ऐसा हमें शिक्षा दी गई। क्या करो, करो क्या, ये भी बता दिया। जब कोई तुम्हारी जिंदगी में ऐसा वक्त आ जाए जिससे तुम विचलित हो जाओ, जिससे तुम्हें दुख हो, जो मुसीबत हो, अपने कमरे में चले जाओ, अपने कमरे में जाओ, आंखें बंद करो और दोनों हाथ जोड़कर सच्चे दिल से, अंदर से, मन से नहीं, सच्चे दिल से, अंदर से उस मालिक से प्रार्थना करो, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। वो तुम्हारे दिल की सुनता है, मन की नहीं सुनता। जो मन से पूजा करते हैं वो वहां तक नहीं पहुंचती, जो अंदर से पूजा करते हैं वो वहां पहुंचेंगे। इसलिए कह दिए, खड़े देव कोई सब कोई पूजे, निधि लाए मेरे बाप, चले हुए हैं घर, मेरे घर के पास मंदिर है, वहां मेरे वहां आने से पहले एक संत थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, लेकिन मेरे वहां आने से पहले उनकी डेथ हो गई। उनके किसी प्रेमी ने उनका स्टैचू बनवाया और वहां स्थापित किया, और वहां वो रोज पूजा किया करता था, रोज पूजा उसने करनी, और बहुत नेक आदमी था। फिर ऐसा वक्त आ गया, अब दो चार पांच साल में वहां पता नहीं कितनी मूर्तियां ले आके रख दी गई, गेट के ऊपर शनि महाराज की मूर्ति रख दी गई, मंदिर पता नहीं क्या क्या, मैं तो कभी गया नहीं। एक दिन एसडीएम साहब ने आना था, कोई मीटिंग थी तो मुझे जाना पड़ा कि सर एसडीएम साहब ही आ रहे हैं तो आप भी आइए। तो मेरा सबसे वाकफी होती है, तब तो मैं जब प्रिंसिपल था तो मेरे सबसे हाथों में डिटैच हो गया, मैं किसी से संबंध नहीं रखता। तो तब मैंने देखा, मैंने कहा ले बाबा जी का कमरा बंद और मंदिरों में रोशनी हो रही है, क्या फायदा? गुरु को ही भूल गए, उसको मानने वाले मर गए। अब आप पता नहीं कितने कड़वी लेकर चले हुए हैं। मैं हंसता हूँ कि क्या वो प्यासा है, वो तो सारी दुनिया को पानी देता है, क्या वो फूल है, फूल में तो बह रहता है, फूल फूल में, कण कण में, वही है, वही तो है, लेकिन हम महसूस नहीं करते कि वो है। हम तो छोटे जीव की भी परवाह नहीं करते, मार दो कोई बात नहीं, मार दो। जीव हत्या महान हत्या। एक वक्त था मैं चौथी या पांचवी क्लास में पढ़ता था, मेजर साहब करण साहब, मेरे गांव में दो जाटों ने अपने किसी और पड़ोसी की कत्ल कर दिया, अंग्रेजों का तब समय था, कत्ल कर दिया और कत्ल करके भाग गए। हम देखने गए, वो लाश पड़ी है दरख्त के नीचे। मैं घर आया, मेरे बापू ने पता क्या कहा, कहते 100 गाय को कत्ल कर दिया आज उन्होंने, 100 गाय। एक आदमी के मारने के बारे में मेरे दादा ने, तो हम दादा बापू जी कहते थे, बापू जी कहते बच्चा आज उन्होंने 100 गाय का कत्ल कर दिया, एक आदमी का 100 गाय के मुताबिक कत्ल का माना जाता था। और आज
इंसान की गाजर बोली के मुताबिक भी कदर नहीं है। गाजर को भी काटने में आदमी सोचता है कि मेरे हाथ ना कट जाए, तय हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। बाबा फकीर जी महाराज के हम पास बैठे थे, 10 साल की उम्र सब से लेकर तो वो महाराज कहा करते थे, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखना होता है क्या। देखा हमने क्या हुआ है और क्या हो रहा है, मालिक अपनी दया करे, हमें सद्बुद्धि दे, हम कड़ेव देव को माने, अनकड़ेव देव को माने, कड़ेव देव के पीछे मत पड़े, और वो घड़ा अनघड़ा देश तुम्हारे। मैंने कहा था इसमें कोई चलाने वाली हस्ती है, और उस चलाने वाली हस्ती की अंश इस ब्रह्मांड को चलाने वाली है, वो हमारे अंदर है, उसकी खोज करो। जब उसका ज्ञान हो जाएगा सारे भ्रम टूट जाएंगे। कोई धर्म तुम्हारे लिए महत्व नहीं रखेगा, ना कोई जाति, ना कोई पाति, ना कोई धर्म, ना कोई कर्म, कुछ नहीं। तुम उसके हो गए वो तुम्हारा हो जाएगा। गढ़े देव को सब कोई पूजे, नीति लावे सेवा, पूरन ब्रह्म अखंडित स्वामी, पूरन ब्रह्म अखंडित स्वामी, ताको न जाने भेवा। कहते जो पूर्ण ब्रह्म है, जो खंडित नहीं है, जिसके टुकड़े टुकड़े नहीं हुए, वो अपने आप में है, उसकी कोई भी याद नहीं करता। पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी ताकुण लावे में उसकी भावना हमारे अंदर नहीं है, हम उसको नहीं याद करते। जब उसको याद नहीं करते तो हम कहीं फंसे हुए हैं, हमारी कहीं बाहर अटैचमेंट है, हम इस संसार से पार जा ही नहीं सकेंगे। जिसका मकसद है टू गेट दैट सॉल्वेशन, वो नहीं प्राप्त करेंगे। हमारी जिंदगी में 4 चीज़ें मैं बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूँ। एक है समझ, समझ घर में माँ भी देती है, पिता भी देता है, भाई भी देते, समझ देते हैं ना, और आदमी अपनी अक्ल से भी समझ लेता है कि ये पानी ठंडा होता है, उबला हुआ पानी गर्म होता है, वो हाथ नहीं डालता, नहीं डालता ना, इसको समझ कहते हैं। एक होता है अनुभव, अनुभव होता है करने के बाद पता लगता है कि ये ठीक है कि ये गलत है। वो कहाँ मिलेगा, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुख बना सोई। अब यहाँ राम जो है, संतों का राम वो नहीं है जो पैदा हुआ दुनिया में और मर गया, वो राम नहीं है। संतों का राम क्या है, सुन लो ध्यान से, एक राम दशरथ का बेटा, वो रामचरित्र मानस है, इंसान का जीवन है, देवता का नहीं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। मैं उस न्यारे राम की बात कर रहा हूँ जो सब में रमा हुआ है, सब में रमा हुआ है वो ही, लेकिन हम उसकी खोज नहीं करते, इसलिए हम अज्ञान में हैं और हम लुटते हैं, हम लुट रहे हैं, और उस लुटने से ही हम खुश हैं। देखिए हम लुट रहे हैं, उस लुटने में भी हम खुश हैं, हमने इतना चढ़ावा कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने, अरे उनको तेरे पैसे की ज़रूरत है, उसको तेरे फलों की ज़रूरत है, उसको तेरे कपड़ों की ज़रूरत है, वो तो सब कुछ तुम्हें दे रहा है। इंसान की गलती क्या है, जो मिला उससे वो संतुष्ट नहीं है, उससे उसको सब्र नहीं है, जो नहीं मिला उसके लिए हाय हाय करता है, ये दुख है। जो मिला उसका शुक्र करो, उसका धन्यवाद करो कि हमें तुमने बहुत कुछ दिया है दाता, और वो दिया उसने है और हमने साथ नहीं लेके जाना, वो यही के सुख के लिए दिया, मेरे जीवन को सुखी बनाने के लिए दिया। ले बच्चा तू मेरे से प्यार करता है, ये जीवन सुखी खुशी से गुजार ले, आनंद से गुजार ले, और अगर हो सके तो मानव जाति की सेवा कर ले।
मैं संत नहीं हूँ, ना मैं महात्मा हूँ भाई, ना मैं गुरु, मैं अपने बाबा फकीर जी महाराज के सेवकों का सेवक, मैं सेवक बन के आता हूँ और सेवा का काम करता हूँ, ताकि कुछ जो मेरे पास है वो मैं आपको बांट जाऊँ, वो बांटना चाहता हूँ। आगे दस अवतार निरंजन कहिए सो अपनो ना होए। शास्त्रों में दस अवतार माने हैं, दस अवतार हुए, नौ हुए हैं, दसवां भी होना है। वो कल की तरह अवतार आएगा कहते हैं, वो सबको एक लेवल पर कर देगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। उसको कल की तरह कहते हैं कि वो आएगा और फिर कलयुग का कंत अंत होगा और फिर स्वर्ग आएगा। कब आएगा मालिक जाने, हम तो इसी को स्वर्ग मानकर चलते हैं। वो कहते हैं दस अवतार हुए, नौ हैं, मच कश बला बावन नरसिंह, फिर आगे आ गया हमारा परशुराम, फिर राम, फिर भगवान कृष्ण और उसके बाद महात्मा बुद्ध। ये नौ हैं, ये नौ अवतार हैं। कहते वो तो आपके नहीं हो सकते, वो आपके नहीं हैं। फिर पढ़ो दस अवतार निरंजन कहिए सो अपनो ना होए। तुम्हारा कल्याण नहीं करेंगे, कोई देवी कोई अवतार तुम्हारा कल्याण नहीं करेंगे, वो अपना काम कर गए और चले गए। त्रेता के अवतारों ने अपना काम किया चले गए, द्वापर के अवतारों ने अपना काम किया चले गए, सतयुग के अवतार कोई नहीं हुआ, उस वक्त केवल मानव था, इंसान था। तो जब नारद मुनि नीचे आए तो उन्होंने देखा मालिक ने ये क्या रचना रच दी, इनमें तो आपस में प्रेम ही नहीं है, ते तो जानवरों की तरह रह रहे हैं। शुरू शुरू में जब इंसान आया तो वो ब्रह्मा के पास गया, कहते महाराज क्या दुनिया पैदा कर दी आपने, वहाँ तो कोई प्रेम ही नहीं है, क्या है कहाँ इंसान मुझे नजर नहीं आए। कहते अच्छा नारद मुनि, हमें किसी को भेजना पड़ेगा, तो उन्होंने गुरु को भेजा। गुरु, गुरु कौन है? गु कहते हैं अंधेरे को, गुरु कहते हैं लाइट को। जो अंधेरे को प्रकाश में बदल दे वो गुरु है, जो अज्ञान को ज्ञान में बदल दे वो गुरु है, जो इंसान के ख्याल को बदल दे वो गुरु है, और कोई गुरु नहीं है। ख्याल बदला नहीं तो संसार नहीं बदलेगा। हमारा क्या है, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति तैसी गति, जैसी नियत तैसी बरात, जैसा कर्म वैसा ही धर्म, कोई धर्म बन जाता है। क्या कहा मैंने? तो कहते हैं कि तुम्हारा किसी अवतार ने बेड़ा पार नहीं करना, किसने करना आगे पढ़ो। दस अवतार निरंजन कहिए सो अपनो ना होए, ये तो अपनी करनी भोगे। अपनी अपनी करनी करनी भोगे, ये तो अपनी करनी भोगे, करता और ही कोई, करने वाला कोई और है। उनके पास ताकत नहीं थी, अगर ताकत होती तो मैं नहीं मिसाल देना चाहता, क्योंकि फिर थोड़ा दुख हो जाता है। राम के बारे में कुछ कहूँगा वो भी ठीक नहीं, भगवान कृष्ण के बारे में कहूँगा, मैं सत्कार करता हूँ, वो अवतार आए थे अपने समय में, अपना काम करके चले गए। आज कलयुग में केवल क्या है, कलयुग में नाम प्रधान है, कल में केवल नाम प्रधाना, कल केवल एक नाम आधारा है, कल केवल एक नाम आधारा। हाँ, कल कलयुग में केवल नाम आधार है और नाम तुम्हारे अंदर है, गुरु ने बताना है, तुमने उस रास्ते पर चलना है। तो इसलिए कहते इनके भरोसे मत रहिए, ये तुम्हारा काम कोई नहीं करेगा। वो सूक्ष्म रूप में है, तुम स्थूल रूप में हो, तुम नजर आते हो, वो नजर नहीं आता, तो कैसे मेल हो सकता है? तो मेल किससे हो सकता है? माँ बाप से। मैं तो माँ बाप को ही मानता हूँ कि वही ब्रह्मा थे, वही विष्णु हैं, जिन्होंने हमारे हाथ से पकड़ कर पाला पोषा, जिन्होंने हमें जन्म दिया, वही मालिक, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, हम किसको माने? मेरी बात याद आ गई, भगवान शिव और पार्वती बूढ़े हो गए, वो भी तो हमारी तरफ से थे, वो बूढ़े
बूढ़े हो गए तो एक दिन पार्वती ने कहा, शिव पार्वती है ना, कि महाराज अब हम बूढ़े हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई, अब इनको आप अपनी ड्यूटी दे दो, हम चलें भगवान का भजन करें, अपने आप का कल्याण करें। कहते हाँ बेटी, बात तो आपकी पार्वती ठीक है, दोनों को बुला लिए कार्तिक और गणेश जी। अब देखो शास्त्रों ने क्या लिखा हुआ है, अजीब लिखने वाले हमारे ऋषि भगवान शिव नंदी बैल की सवारी करते हैं, पार्वती माता शेर की सवारी करती है, कार्तिक के मोर की सवारी करता है, और हमारा गणेश जी चूहे की सवारी करता है ना, लिखा हुआ है। अब इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि सांप को मोर खाता है जो शिव के गले में है, सांप को मोर खाता है और सांप चूहे को खाता है और शेर जानवर को खाता है, चारों में आपस में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी उनको इकट्ठा दिखाया। जिस परिवार में इकट्ठे है, मेरा ख्याल और पत्नी का ख्याल और, लेकिन अगर हम इकट्ठे चले हुए हैं तो शिव का परिवार बन जाएगा। क्या कहा मैंने? तो दोनों को बुला लिया कि बच्चा देखो, हम अब बूढ़े हो गए, हम चाहते हैं कि तुम हमारा इसका ड्यूटी संभालो, लेकिन ड्यूटी लेने से पहले तुम्हें एक काम करना पड़े। शास्त्रों की कथा है कि 68 तीर्थों का जो पहले स्नान करके आएगा, मैं उसको तिलक लगा दूंगा। अब कार्तिक की तो सवारी मोर है, वो बैठा और उड़ गया। अब हैं हमारे भगवान गणेश जी भारे हैं, सवारी चूहे की कहाँ भागे, कहाँ जाएं? अंदर से माँ बाप के दोनों जो सात चक्कर काटे, पैर मत्था टेक दिया, कहते मैं नहीं जानता कौन था सर्दी रहता, आप ही हैं सब कुछ, मेरा तो आप ही है सब कुछ। चलो फैसला हो गया और उसको एक प्रदान दे दिया कि दुनिया के आने वाले लोग सबसे पहले तेरी पूजा किया करेंगे। इसका मैंने क्या मतलब निकाला कि गणेश बन जाओ, घर में माँ बाप की सेवा करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो माँ बाप की सेवा करेगा और जिसके सिर पर माँ का हाथ है, बाप का हाथ है, उसको जिंदगी में कहीं पूजा पाठ यात्रा तक करने मैंने नहीं की, मैंने केवल माँ बाप की सेवा की और उनके आशीर्वाद से मुझे मेरा सतगुरु मिल गया, जिसने मेरी बाँ पकड़ ली और मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हो गया। क्या कहा मैंने? घर में माँ बैठी है, बाप बैठा है, बीमार है, उनकी तो सेवा नहीं हो रही और बच्चे बाहर लंगर लगा रहे हैं, उनको क्या करना लंगरों को, उसका कोई फायदा नहीं है, दान देने का कोई फायदा नहीं है। घर में है सब कुछ जो कुछ है, अपने घरों को स्वर्ग बना लो, यही सब कुछ है, आगे नर्क किसी ने नहीं देखा। जिस घर में कला है, बेचैनी है, लड़ाई है, द्वेष है, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, वो नर्क है। मैं तो ये समझा, जिसके घर में शांति है, आपकी इज्जत होती है और प्रेम से बैठ कर खाना खाते हैं, वो ही स्वर्ग है, और कोई स्वर्ग है नहीं, जो मैंने समझा। आगे बढ़े। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सिर लागी काए। बता दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इनके सिर पर काई लगी है, काई मीन अंधेरा है, ये और कुछ सोच नहीं सकते। ब्रह्मा ने दुनिया पैदा करनी है, बस विष्णु ने उसके पालन पोषण करनी है और शिव ने आना है तो सीट के ले जाना, ये है इन सर लगी कायमीन ड्यूटी है, इनको ड्यूटी लगी है, ये एक ड्यूटी दूसरे की ड्यूटी नहीं कर सकता। तुम बोले कि जितनी मर्जी सेवा कर लो, उसने जब ले जाना है ले जाना है,
क्योंकि उसकी ड्यूटी बरदान देना नहीं है। हमने बेशक गाने बना लिए उनके, हमने बेशक गाने बना लिए, नाचते हैं उसके नाम पर, कोई फायदा नहीं है, अपनी जिंदगी का बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने भोले को समझा ही नहीं है। बर्फानी बाबा ऐसे गाते हैं, नाच नाच कर गाते हैं। वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, उनकी एक ड्यूटी लगी है, वो ड्यूटी ही करेंगे, उससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकते। इसलिए कह दिया कबीर ने, उनके सिर पर काई लगी है, उन पर ड्यूटी है, वो दे आर ड्यूटी बाउंड। ना ब्रह्मा की ड्यूटी विष्णु कर सकता है, ना शिव की ड्यूटी विष्णु कर सकता है, ना ब्रह्मा कर सकता है, तो एक दूसरे की ड्यूटी को दखल नहीं दे सकते। इसलिए उनसे क्या मिलेगा आगे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काए, इन्हीं भरोसे मत कोई रहियो, इन्हीं भरोसे मत कोई रहियो, इन्हों मुक्ति न पाए। इनके भरोसे नहीं रहना, इनको खुद मुक्ति नहीं मिली, ये लिख दिया। इनके भरोसे मत कोई रहिए, इन्हों मुक्ति नहीं पाई। ये तो ऊपर बैठे तड़प रहे हैं कि हमें शरीर मिल जाए, हम शरीर में जाकर उस मालिक की, हम अपनी ड्यूटी से फ्री हो जाएं, हम अपने मालिक को याद करके हम उसी में विलीन हो जाएं। ये तो आप तरस रहे हैं, इनको अपनी मुक्ति दे। सभी देवता ऐसे, मैंने मेरा अनुभव तो ये कहता है, ये ब्रह्मांड सारा आत्माओं से भरपूर है, वो तड़प रहे हैं कि कोई माता ऐसी मिल जाए जिसके गर्भ में हम जाकर जन्म ले लें, और हम किसी गुरु के चरण में जाएं और हमें भी ज्ञान हो जाए और हमारा भी मोक्ष हो जाए। कबीर साहब ने साबित कर दिया कि इनको मुक्ति नहीं मिली है, तुम इनके भरोसे नहीं रहना, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। आगे। जोगी जति तपि सन्यासी आप में लड़िया, जोगी जति तपि सन्यासी, जो योग करते फिरते हैं, कपड़े नहीं डालते, सन्यासी बने हुए हैं, नागा बने हुए हैं, ना पता नहीं कितने जहान मेरे देश में ड्रामे हैं धर्म के नाम पर, इनको किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बाहर मुखी हैं। जो बाहर मुखी है वो मन मुखी है, जो अंतर्मुखी है वो गुरुमुख है, गुरु की बात पर चलने वाला गुरुमुख है, जो मन के पर चलने वाला घर बार छोड़ दिया, जति बन गए, तपी बन गए, कोई सन्यासी बन गया, कोई कुछ बना, बड़ा बने। देखो अपने दुनिया को देखो, आप तो डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं, शायद यहाँ कोई नहीं आता होगा, हम तो घूमने वाले, सब देखे हमने, तमाशे देखे, कुछ भी नहीं है, सब मन की दुनिया में फंसे हुए हैं, मन की जंजाल में फंसे हुए हैं। अच्छा ख्याल आ गया खुश हो लिए, बुरा ख्याल आ गया दुखी हो गए, रात को नींद नहीं आती, फिर गोलियां खाते हैं क्योंकि मन ठीक नहीं है। गोलियां खाने वाले का मन ठीक नहीं होता क्योंकि वो ठहरता नहीं है। जो मन में ठहर गया, नाम के साथ जुड़ गया, उसको तो लेटा नहीं तो नींद आई नहीं, वो लेटा नहीं तो नींद आई नहीं। 3 मिनट नहीं लगते नाम जपने वालों को सोने के लिए, और सुबह जल्दी। मैं गया जलंधर, किसी डॉक्टर ने मुझे बुलाया, उनकी बेटी का कोई प्रॉब्लम था। मैंने कहा बेटा सुबह जल्दी उठ सकते हो, तो मेरे मुंह की तरफ देखे कि जल्दी का क्या हुआ मतलब। जल्दी मतलब सूर्य निकलने से 2.5 घंटा पहले। मैं कहा मैं तब आपसे बात करूंगा अगर आप अपने उठने का टाइम मुझे बताएं। आप कब उठती हो? कहते माँ बाबा जी 9 बजे उठती हूँ, 9 बजे दिन को 9 बजे, और तब तक हमने अपना ब्रेकफास्ट भी किया होता है, खाना खा के फ्री हुए होते हैं। मैंने कहा मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे सकता, हर रात के पिछले हिस्से में एक दौलत लुकती रहती है, गौर से सुनना, हर रात के पिछले हिस्से में, पिछले समय 3 बजे के बाद, सर्दियों में 4 बजे के बाद,
गर्मियों में 3 बजे के बाद, क्योंकि जल्दी सूर्य निकल जाता है। हर रात के पिछले हिस्से में एक दौलत लुटती रहती है, जो जागत हैं सो पावत हैं, जो सोवत हैं सो खोवत हैं। उनको कुछ नहीं मिले, उनको कुछ नहीं मिले। सुबह वो उठने की आदत डालो, यहाँ तो 12-1 बजे तक तो टीवी देखते हैं, 10-11 बजे कहीं डिनर होता है, हम 8:30 बजे सारा दिन नाचेंगे गाएंगे, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। अब डोरी हाथ तुम्हारे, उसके हाथ में डोरी है, हम तो नाचने वाले हैं, नाचेंगे खुशी से नाचेंगे और गुरु का गुण गाएंगे और किसी का गुण नहीं गाते। इसलिए कह दिया ये ब्रह्मा विष्णु महेश, देखना इनके पल्ले नहीं पड़ना। और ये जोगी जपी तपस्वी तपस्यासी ये आपस में लड़ते हैं, देखा नहीं जो नागे नागे हैं एक दफा कुंभ पर लड़ पड़े आपस में उनके कितने कितने वो बड़े हुए हैं मठ, कहाँ से खा रहे हैं, हमें खा रहे हैं और कहाँ से खा रहे हैं, हमें खा रहे हैं। गृहस्थ आश्रम महादानी है, अगर गृहस्थी इनको पैसे ना दे तो मंदिरों में कबूतर बोलेंगे, गुरुद्वारों में भी कबूतर बोलेंगे, सिर्फ तुम्हारे सिर पर सिर्फ लोग नाचते हैं और तुम्हें दर दर करते हैं, दर दर करते हैं। चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे, अगर हमारे पैसे पर पल रहे हो और हमें कहते हैं आगे चलो, मैं तो ठोक देता हूँ, मैं तो कह देता हूँ। मुझे कहीं जाने का मौका मिला, मैंने उसको पाँव से निकाल दिया, फिर मेरा पाँव फाड़ लिया, ऐसे बाबू जी माफ़ करो, हमारी रोटी का घर, हमारी रोटी का साधन है, खाओ भाई, मैं क्या लेना, ये हाल है। आगे जोगी जति कभी सन्यासी आप में लड़िया, काहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीर सब कहते हैं सुनो, क्या कहना चाहते हैं, इनके कोई भरोसे न रहना, ये तुम्हारा बेड़ा पार नहीं करेंगे, कौन करेगा, कहे कबीर। काहे कबीर सुनो भाई साधो, शबद लख सोई तरिया, करेगा जो तुम्हारे अंदर एक धुन हो रही है, तुम्हारे शरीर में यहाँ एक गीत गाया जा रहा है, यहाँ एक पानी आ रही है, जो अपने शरीर को भूलकर अपने मन से निकलकर अपनी आत्मा को देखते हुए आगे निकल जाएगा, उसको वो शब्द मिल जाएगा, और शब्द ही हमें पार करने वाला है और कोई हमें पार नहीं करेगा। क्या कहा मैंने, इसलिए मैंने बहुत ऊंची बात इसलिए कही कि डिफेंस कॉलोनी में जितने भी लोग रहते हैं सब विद्वान हैं, समझ वाले, समझ सकते हैं, गांव में रहने वाले नहीं हैं, गांव में तो सीधे साधे लोग हैं, उनके लेवल पर अपनी बात मैं कर लेता हूँ, उनके लेवल पर आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ये कर्नल साहब ने बुलाया है, तो कर्नल साहब के जितने भी मिलने वाले वो सब हाई थिंकिंग के हैं, अच्छे ऊँचे विचारों के हैं, रहनी अच्छी है, सब कुछ पास है, अब उनके पास एक ही चीज़ नहीं है कि उनको अंदर जाने का पता नहीं है, वो मैं बताने आया हूँ कि आँख बंद करो, अपने आप को देखो, वो एम आई, मैं कौन हूँ। जब तुम्हें अपना झलक मिल जाएगी, तुम्हें दुनिया के सारे बंधन कट जाएंगे, और फिर हम जहाँ से आए हैं वहाँ पर ही पहुँच जाएंगे। आप आए, मेरा सौभाग्य है, मैं मेरा ख्याल है 9:30 शुरू किया, 11 बज चले, तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और शुभ भावना रखता हूँ कि सच्चे पातशाह मेरा आपको शरीर की तंदुरुस्ती दे, मन को शांति दे, घरों में सुख रहे, शांति रहे, प्रेम रहे, सब तरक्की करो, और हमारे कर्नल साहब तंदुरुस्त रहें, ये मुझे बुलाते रहें तो मैं आता रहूँगा। सब लोग चाय पानी, हाँ, आप सबको कर्नल साहब ने बेनती की है कि चाय पान करके जाना, मेरा सबको बहुत बहुत प्रणाम।
नमस्कार, राधा स्वामी, राधा स्वामी।